कल भी, आज भी, देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। वैश्विक महामारी कोरोना से दुनिया भर में नॉनस्टॉप तबाही जारी है। इस जानलेवा महामारी से लोगों की बड़ी तादाद में जाने जा रही हैं और संक्रमितों की संख्या भी करोड़ों में है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी से अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 2 करोड़ 28 लाख लोग संक्रमित हैं। वैश्विक महामारी से तबाही के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि 2 साल से कम समय में ही दुनिया कोरोना से उबर जाएगी। WHO प्रमुख डॉक्टर ट्रोट्स का कहना है कि 1918 में स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना महामारी पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। So we hope to finish this pandemic before less than 2 years, especially if we can pull our efforts together and with national unity, global solidarity, that's really key. WHO प्रमुख का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन से संपर्क ज्यादा होने के चलते COVID-19 दुनिया में तेज गति से फैल रहा है। उन्होंने माना कि इलाज के बेहतर तरीकों के चलते कोरोना पर स्पेनिश फ्लू की तुलना में जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। स्पेनिश फ्लू के चलते फरवरी 1918 से अप्रैल 1920 यानी कि 2 साल में ही दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी।